पावन अयोध्या नगरी जो कई सौ सालों से अपने भगवान प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, जिसके बाद हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेगा। आपको बता दें कि अभी निर्माण कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस पर काम काफी समय तक जारी रहेगा, ताकि इस मंदिर को और भी ज्यादा सुंदर और सिक्योरिटी के लिहाजे से सुरक्षित बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर की नींव में टाइम कैप्सूल डाले गए हैं, ताकि सैकड़ों साल तक इस मंदिर का इतिहास जाना जा सके। एक्चुअली टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है, जिसमें प्रेजेंट टाइम की सारी इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड को डालकर नींव में डालते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के सैकड़ों सालों से भी ज्यादा समय तक इस डेटा को आसानी से स्टोर किया जा सके। इसे ऐसी जगह दबाया जाता है ताकि जब जमीन में खुदाई हो तो इसे आसानी से निकाला जा सके। ऐसा कहा गया था कि जिस तरह की लंबी लड़ाई भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण को लेकर लड़नी पड़ी, आगे भविष्य में ऐसी लड़ाई ना लड़नी पड़े, इसलिए टाइम कैप्सूल को निर्माण के समय नींव में डाला गया है।